சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை பாரத் மாதா கி ஜெய் பாரத் மாதா கி ஜெய் मैं सबसे पहले तो इस सभागृह में उपस्थित एनडीए घटक दलों के सभी नेतागण, नवनिर्वाचित सभी सांसदगण और हमारे राज्यसभा के भी सांसदगण, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था, और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है, और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है, और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी है, और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। साथियों, बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, शायद उनको सूट नहीं करता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया।
हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी नजर करें, हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। साथियों, हम सर्व पंथ संभाव के हमारे संविधान को समर्पित है और देश में चाहे हमारा गोवा हो या हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ईसाई भाई बहन रहते हैं, आज हम उन राज्यों में भी एनडीए के रूप में सेवा का अवसर हमें मिला। साथियों, प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। और ये गठबंधन का विजय हमने बहुमत हासिल किया है, और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सब का दायित्व है कि हम सर्वमत के हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं, यानी आजादी के 75 साल में 3 दशक एनडीए, ये सामान्य घटना नहीं है जी। विविधता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक रचना के बीच में ये 3 दशक की यात्रा एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश देती है। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि किसी एक समय वो था कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में इस अलायंस का हिस्सा था, व्यवस्थाओं से जुड़ा रहता था, और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते
मेरा भी नाता इसे 30 साल का रहा है और मैं कह सकता हूं, हकीकतों के तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं, ये सबसे सफल अलायंस है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है, इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस 4th टर्म में एंटर कर रहा है। साथियों, इस बात को जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, अगर मुक्त मन से, मुक्त मन शब्द बहुत महत्व का है, वे सोचेंगे तो पाएंगे कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से, नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड, वैसा ये समूह है। और 30 साल का लंबा कालखंड, शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। और ये मूल्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रकाश सिंह जी बादल, श्री बाला साहब ठाकरे, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री शरद यादव, अनगिनत नाम में कह सकता हूं, इन लोगों ने जिस बीज को बोया था, वो आज भारत की जनता ने विश्वास का सिंचन कर करके उस बीज को वट वृक्ष बना दिया है। और हम सबके पास ऐसे महान नेताओं की विरासत है और हमें इसका गर्व है। बीते 10 वर्षों में हमने एनडीए की उसी विरासत, उसी मूल्यों को लेकर के निरंतर आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जब मन से राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। इन सब ने अपने अपने समय में, अपने अपने कार्यकाल में जब जब जहां सेवा करने का मौका मिला है, गुड इस देश को दिया है। और इस प्रकार से एनडीए एक प्रकार से, एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। भरपूर सेवा की हो, हम सब के अंदर केंद्र बिंदु में गरीब का कल्याण केंद्रस्थ रहा है। और देश ने एनडीए के गरीब कल्याण के, गुड गवर्नेंस के 10 साल को देखा है, इतना नहीं है, मैं कह सकता हूं देश ने इसे जिया है।
जनता जनार्दन ने सरकार क्या होती है, सरकार क्यों होती है, सरकार किसके लिए होती है, सरकार कैसे काम करती है, इसको पहली बार अनुभव किया है। वरना जनता और सरकारों के बीच में एक खाई की व्यवस्था ही बनी हुई थी, हमने उसको पाट दिया है। हमने सबका प्रयास का मंत्र देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए चरितार्थ करके देखा है। साथियों, एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवी के जीवन में से, और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई। सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई।